हम सबने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत, उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है, ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव, तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के, 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर, सोचो। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था।